बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम लूप की पहली किस्म व्हाइल लूप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, व्हाइल लूप को सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट लूप कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर आपको व्हाइल लूप समझ आ गया तो बाकी के लूप्स को समझना आपके लिए निहायत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सिंटैक्स देखिए। यहाँ सबसे पहले आप while का कीवर्ड लिखेंगे, और याद रखिए while का कीवर्ड हमेशा आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन देंगे, और कंडीशन क्या है दोस्तों, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होगी जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स की सूरत में आएगा। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में एक या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यही वो स्टेटमेंट होंगी जिनको आप बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, जिसको बॉडी ऑफ द लूप भी कहा जाता है। तो सो व्हाइल लूप का तमाम दारोमदार कंडीशन पर होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी कंट्रोल लूप की बॉडी में जाएगा और लूप की बॉडी में लिखी गई तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और याद रखिए, जैसे ही ये एग्जीक्यूट करेगा दोबारा से कंट्रोल इस कंडीशन पर आ जाएगा। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने इफ एल्स का स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंदर इफ एल्स का भी तमाम दारोमदार कंडीशन पर होता था, लेकिन जब कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो इफ के स्ट्रक्चर में लिखी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी और कंट्रोल इफ एल्स के स्ट्रक्चर से ही बाहर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर लूप के अंदर अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने के बाद लूप की बॉडी में लिखी गई तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से कंट्रोल कंडीशन पर आ जाएगा। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर लूप की बॉडी में लिखी गई स्टेटमेंट्स अगेन रिपीट होंगी, अगेन एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी। और दोस्तों, ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी प्रोग्राम का कंट्रोल इस व्हाइल लूप के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। और दोस्तों, याद रखिए, कंडीशन के आगे आपको टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, व्हाइल लूप तब बहुत ज्यादा मुअसर साबित होता है जब आपको ये मालूम ना हो कि आपको लूप की बॉडी में लिखी गई स्टेटमेंट्स को कितने टाइम्स रिपीट करना है, कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपने व्हाइल के आगे कंडीशन लगाई है कि ए इज लेस देन 5, और ए को आप लूप की बॉडी में यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो अब आपको नहीं पता कि यूजर जो इनपुट देगा वो 5 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी यहाँ आपको नहीं पता कि कितनी दफा यूजर 5 से छोटा नंबर इनपुट देगा, क्योंकि जितने टाइम्स यूजर 5 से छोटा नंबर इनपुट करेगा उतने टाइम्स ही लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और जैसे ही 5 से बड़ा नंबर इनपुट देगा तो ये प्रोग्राम यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे में व्हाइल को यूज करना सबसे बेहतर है जब प्रोग्रामर को पता ही नहीं हो कि लूप की बॉडी में रखी स्टेटमेंट्स को कितने टाइम रिपीट करवाना है। इसीलिए वी कैन से कि व्हाइल लूप इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज नॉट नोन इन एडवांस। यानी दोस्तों, वैसे तो हमारे पास लूप की 3 टाइप्स हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। लेकिन जब प्रोग्रामर को पहले से ही पता नहीं हो कि लूप की बॉडी में लिखी स्टेटमेंट्स को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है, तब व्हाइल लूप बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होता है दूसरे लूप्स के मुकाबले में। इसके अलावा दोस्तों, व्हाइल लूप को प्रीटेस्ट लूप भी कहा जाता है, क्योंकि प्री के मानी होते हैं पहले। तो यहाँ कंडीशन को क्योंकि सबसे पहले चेक किया जाता है, सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, इसीलिए व्हाइल लूप को प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने किसी भी लूप में इस्तेमाल होने वाले 2 एलिमेंट्स की डिटेल्स तो देख ली। जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोई भी लूप स्ट्रक्चर 4 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, लूप कीवर्ड, कंडीशन, काउंटर वेरिएबल एंड काउंटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और डियर फ्रेंड्स, अगर व्हाइल लूप की बात करें तो यहाँ लूप कीवर्ड यूज होगा व्हाइल, कंडीशन में आप कोई एक्सप्रेशन देंगे अपने प्रोग्राम की मुनासबत से, और उस कंडीशन के ट्रू होने पर व्हाइल की बॉडी में लिखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद जो तीसरा और चौथा एलिमेंट है वो है काउंटर वेरिएबल और काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, और उस कंडीशन के ट्रू होने पर व्हाइल की बॉडी में लिखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद जो तीसरा और चौथा एलिमेंट है वो है काउंटर वेरिएबल एंड काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर आप व्हाइल लूप का पूरा सिंटैक्स देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा।
काउंटर इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद while का कीवर्ड, while के कीवर्ड के बाद parenthesis और parenthesis के अंदर condition, condition के true होने पर जिन statements को आप execute करवाना चाहते हैं वो statements, और आखिर में counter increment और decrement। तो dear friends यहाँ counter क्या है? दोस्तों counter एक variable है जो कि loop को control करेगा, और सबसे पहले हम इस variable में एक integer value store करेंगे, जिसको आम अल्फाज में काउंटर इनिशियलाइजेशन भी कहा जाता है, और ये वैल्यू कंपाइलर को बताएगी कि लूप को स्टार्ट कहां से होना है। इसके बाद इस काउंटर वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम की मुनासबत से कंडीशन में भी यूज करेंगे, और कंडीशन के अंदर ये काउंटर वेरिएबल इस बात का ट्रैक रखेगा कि आपकी स्टेटमेंट्स यानी लूप के बॉडी में रखी गई आपकी स्टेटमेंट्स कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना बाकी है, और आखिर में हम लूप की बॉडी में इस काउंटर में हर बार 1 का इंक्रीमेंट करवाएंगे और 1 की कमी करवाएंगे यानी 1 का डिक्रीमेंट करवाएंगे। दोस्तों मिसाल के तौर पर आप 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं। दोस्तों यहां प्रोग्राम को लिखने से पहले आप सबसे पहले ये लिख लिया करें कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर जो आउटपुट शो होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पहले 1 प्रिंट हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और कहाँ तक प्रिंट हो, 10 तक प्रिंट हो। क्योंकि डियर फ्रेंड्स अभी आप प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं, तो आउटपुट को देख कर आपके लिए लॉजिक क्रिएट करना, प्रोग्राम की लॉजिक बनाना निहायत ही आसान होगा। तो डियर फ्रेंड्स इस आउटपुट को देखकर आपको एक बात पता लग गई कि लूप का स्टार्ट 1 से होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले 1 प्रिंट करवाना है और लूप का एंड 10 पर होगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किस वैल्यू से करना है, क्योंकि लूप का स्टार्ट 1 से होगा तो काउंटर वेरिएबल को भी हम 1 से ही इनिशियलाइज करेंगे। और काउंटर ये देखिए आप काउंटर को किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, आप जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने से पहले हम उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, और काउंटर वेरिएबल के अंदर हम हमेशा इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आई के नाम से, जो कि काउंटर वेरिएबल है, और क्योंकि हमें सबसे पहले 1 को प्रिंट करवाना है तो हमने अपनी लूप का स्टार्ट भी 1 से करना है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा दी काउंटर वेरिएबल के अंदर 1, यानी काउंटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। दोस्तों यहाँ पर ये काउंटर इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद आप दोस्तों इनिशियलाइजेशन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है कंडीशन। और याद रखिए दोस्तों किसी भी लूप के प्रोग्राम का तमाम दारोमदार कंडीशन पर होता है। तो अभी आप क्योंकि प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि कंडीशन किस तरह बनानी है। आप सबसे पहले वाइल का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप पैरेंथेसिस देंगे और पैरेंथेसिस में देंगे वो कंडीशन। अगर आप इस प्रोग्राम में और करें तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा 1 से, यानी आपको सबसे पहले 1 प्रिंट करवाना है, इसके बाद आपका प्रोग्राम एंड होगा 10 पर, यानी आपको जो कंडीशन देनी है यानी आपकी जो आई के अंदर वैल्यू है वो तब तक के प्रिंट होती रहे जब तक के आपकी आई की वैल्यू जो है वो छोटी नहीं हो जाती 10 से। यानी यहाँ पर आप कंडीशन देंगे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी ये कंडीशन तब फॉल्स हो जब आई के अंदर मौजूद वैल्यू बड़ी हो जाए 10 से। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कंडीशन बना दी कि i इज लेस देन इक्वल टू 10। इसके बाद आप पैरेंथेसिस देंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, और कर्ली ब्रेसेस में अब यहाँ पर दोस्तों क्योंकि आपको बार बार एक नंबर प्रिंट करवाना है, और वो नंबर क्या होना चाहिए, वो पहले 1 होना चाहिए, फिर 2, फिर 3, तो यानी एक नंबर आपको प्रिंट करवाना है, आपने printf की कंडीशन, printf की स्टेटमेंट लिखी। इसके बाद आपने पैरेंथेसिस लिखे, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया पैरेंथेसिस के अंदर परसेंट डी, और हर वैल्यू दोस्तों आप देखें तो एक न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है, आपने बैक स्लैश एन लिख दिया और कॉमा लिख दिया। अब दोस्तों ये जो परसेंट डी है, ये जो आपका नंबर है, ये स्टोर कहाँ पर है, यानी आपको प्रिंट क्या करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है इस आई के अंदर मौजूद वैल्यू, आपने यहाँ पर लिख दिया है आई, और आपको किस तरह से ये प्रिंट करवाना है कि हर बार इस आई के अंदर मौजूद वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो और फिर वो प्रिंट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी कि 1 अभी आई में 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए 1। दोस्तों यहाँ पर अब आपका प्रिंट हो गया है 1। अब आपको क्या प्रिंट करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है 2, यानी आपको अब चेक करवाना है कि क्या 2 भी जो है वो छोटा है 10 से। तो यहाँ पर आपको
काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करना है। इस तरह से दोस्तों आपको आउटपुट को देखकर पता लगता है कि कब आपको इंक्रीमेंट करना है वेरिएबल के अंदर और कब आपको डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पर चूंकि आई आपने पहले प्रिंट कर दिया, इसके बाद आप आई के अंदर वन मौजूद है तो वो प्रिंट हो चुका है। अब आपको टू प्रिंट करवाना है, यानी आपको आई के अंदर वन का इंक्रीमेंट करवाना है। तो अब आप इस तरह से लिख देंगे आई प्लस प्लस, यानी हर बार पहले आई की वैल्यू चेक हो, अगर वो 10 से छोटी है तो वो प्रिंट करवा दे आई के अंदर मौजूद वैल्यू, और फिर उसके बाद आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करवाए और फिर दोबारा से कंडीशन चेक हो। अब दोस्तों अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। आइए इसको मैनुअली रन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आई के अंदर मौजूद है 1, तो ये चेक होगा कि क्या 1 जो है वो छोटा है 10 से। और दोस्तों याद रखिए ये कंडीशन, क्योंकि 1 छोटा है 10 से, ये कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की बॉडी में रखी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पर प्रिंट होगा सबसे पहले 1 प्रिंट होने के बाद आई में जब 1 का इंक्रीमेंट होगा तो अब आई के अंदर वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 = 2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 भी जो है वो छोटा है 10 से, ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब ये यहाँ पर प्रिंट करवा देगा आई की वैल्यू। आई के अंदर अभी 2 मौजूद है तो अब प्रिंट हो जाएगा दोस्तों 2। इसके बाद दोबारा से ये आई में 1 प्लस होगा और अभी आई के अंदर मौजूद था 2, जब आप 2 + 1 करेंगे तो अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा 3, यानी आई के अंदर अब वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद 3 चेक होगा कि क्या 3 जो है वो छोटा है 10 से, तो अब प्रिंट हो जाएगा दोस्तों 3। इसी तरीके से ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आई के अंदर मौजूद वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पर अभी आई आपका प्रिंट हो गया है 10, इसके बाद ये यहाँ पर 10 में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, 10 + 1 होता है 11, यानी अब आई के अंदर मौजूद वैल्यू है 11। अब ये चेक करेगा कि क्या 11 जो है वो छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये चेक करेगा कि क्या 11 जो है वो इक्वल्स टू है 10 से, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। यानी 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट करवाने के बाद जब 11 की बारी आई तो अब कंडीशन हो गई है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल व्हाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी गेट सीएच की पर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काउंटर इंक्रीमेंटेशन तो समझ आ गया होगा कि जब कभी भी आप काउंटर वेरिएबल के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, यानी i = i + 1 लिखें या i + + लिखें, तो ये कहलाएगा काउंटर इंक्रीमेंटेशन। लेकिन काउंटर डिक्रीमेंटेशन क्या होता है दोस्तों? जब कभी भी आप i के अंदर i = i - 1, यानी i के अंदर 1 की कमी करेंगे तो ये कहलाता है काउंटर डिक्रीमेंटेशन। दोस्तों काउंटर इंक्रीमेंटेशन यूज करना तो आपने सीख लिया, लेकिन काउंटर डिक्रीमेंटेशन क्या होगा? मिसाल के तौर पर दोस्तों अभी आपने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करवाए थे, अब अगर आप 10 से लेकर 1 तक के नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अब क्योंकि आपको लूप को स्टार्ट 10 से करना है, तो याद रखिए आप काउंटर को इनिशियलाइज भी 10 से करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्योंकि हमारा पिछले प्रोग्राम के अंदर लूप को हमने 1 से स्टार्ट किया था, हमें सबसे पहले 1 प्रिंट करवाना था, तो काउंटर इनिशियलाइज हमने 1 से किया था। लेकिन अब हमें क्योंकि 10 से हमें अपने लूप का आगाज करना है तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दिया काउंटर 10 से, यानी काउंटर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा दी 10। दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर करें तो क्योंकि हमें पिछले प्रोग्राम के अंदर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करवाने थे, इसीलिए हमने अपने लूप को स्टॉप करवाना था 10 पर, यानी कब तक के नंबर प्रिंट हो, जब तक के वो 10 नहीं हो जाते। लेकिन यहाँ आप गौर करें तो हमें अपने लूप को स्टार्ट तो 10 से करना है, लेकिन स्टॉप कब करवाना है? जब तक कि आई के अंदर मौजूद जो वैल्यू है वो 1 तक नहीं पहुंच जाती। तो आप यहाँ पर याद रखिए राइट हैंड साइड पर आप हमेशा वो वैल्यू देते हैं जहां पर आपको अपनी कंडीशन को फॉल्स करवाना है। तो हमें क्योंकि 1 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं 10 से 1 तक के, तो हमने राइट हैंड साइड पर 1 लिख दिया, यानी स्टार्ट हमारा 10 से हो और स्टॉप हो 1 पर। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर करें, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लेस देन रहने देते हैं, यानी हम लिखते हैं कि आई हमेशा छोटा रहे या इक्वल टू रहे 1 से, तो आई के अंदर अभी मौजूद है 10, 10 क्या है, 10 तो बड़ा है, तो पहले ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 10 तो छोटा है ही नहीं 1 से। इसीलिए अब हमें यहाँ लेस देन के बजाय ग्रेटर देन लिखना है, यानी आई की वैल्यू चेक होती रहे तब तक जब तक कि आई की वैल्यू छोटी नहीं हो जाती 1 से। यानी कंडीशन कब फॉल्स हो? जब आई की वैल्यू छोटी हो जाए 1 से, यानी आई के अंदर पहले 10 आए, फिर 9 आए,
फिर 8 आए और 8 तक, 8 भी बड़ा है 1 से, इसी तरीके से कब तक ये चलती रहे, कंडीशन 2 होती रहे, जब तक कि i के अंदर मौजूद वैल्यू नहीं हो जाती 1। जब ये 1 होगी तो ये चेक करेगा क्या 1 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी, लेकिन फिर ये चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो इक्वल्स टू है 1, तो ये कंडीशन हो जाएगी ये ट्रू, ये प्रिंट करवा देगा 1। इस तरह से 10 से लेकर 1 तक के नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आपके आई के अंदर मौजूद वैल्यू हो जाएगी 0, तब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो याद रखिए आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब तक आपके 1 तक के नंबर प्रिंट हो चुके होंगे। अब दोस्तों आप एक और बार गौर करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10 प्रिंट करवाना है, आई के अंदर 10 है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर आपको प्रिंट करवाना है 9, फिर प्रिंट करवाना है 8, यानी हर बार आपको आई में 1 का डिक्रीमेंट करना है, यानी आपका अभी यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं लगेगा क्योंकि आउटपुट पर आप गौर करें तो अब यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर आई प्लस प्लस के बजाय आई माइनस माइनस लिखेंगे, और आई माइनस माइनस लिखने पर आपको यही रिजल्ट मिलेगा। आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 1 जो है वो, क्या 10 जो है वो बड़ा है, 10 बड़ा है 1 से, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करवा देगा 1। इसके बाद 1 के अंदर, सॉरी, ये प्रिंट करवा देगा 10 क्योंकि आई के अंदर मौजूद है 10। इसके बाद 10 में 1 का डिक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा 9। इसके बाद ये चेक कराएगा कि क्या 9 जो है ये भी बड़ा है 1 से, तो ये प्रिंट करवा देगा 9 क्योंकि आई के अंदर अभी 9 मौजूद है। फिर ये 1 आई में डिक्रीमेंट करेगा 1 का, तो आई हो जाएगा अब 8। इसके बाद ये चेक करवाएगा क्या 8 भी जो है वो बड़ा है 1 से, कंडीशन 2 होगी, तो ये प्रिंट करवा देगा 8। इसके बाद ये दोबारा से इसमें 1 का डिक्रीमेंट करेगा, ये हो जाएगा 7। इस तरह से दोस्तों ये लूप तब तक चलता रहेगा, तब तक आपके नंबर प्रिंट होते रहेंगे जब तक के ये 1 नहीं हो जाते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आई के अंदर मौजूद है वैल्यू 1, ये चेक करेगा क्या 1 बड़ा है 1 से, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये चेक करेगा क्या 1 बराबर है 1 से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर ये प्रिंट करवा देगा आई के अंदर मौजूद वैल्यू, आई के अंदर अभी 1 मौजूद है, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर ये आई में से 1 का डिक्रीमेंट करेगा, आई के अंदर 1 मौजूद है, 1 माइनस 1 इक्वल टू होता है 0। अब ये चेक करेगा क्या 0 जो है वो बड़ा है 1 से, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये चेक करेगा क्या 0 जो है वो इक्वल टू है 1, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब आपके 1 तक के नंबर्स प्रिंट होंगे और जैसे ही 0 पर आपका कंट्रोल आएगा तो अब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब ये कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपके 10 से लेकर 1 तक के नंबर्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। ये देखिए, ये पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 9, और इस तरह से आपका लूप कब स्टॉप हुआ है, जब आपके नंबर 1 हो गए। इस तरह से दोस्तों आपका काउंटर इंक्रीमेंटेशन और काउंटर डिक्रीमेंटेशन वर्क करता है। लेकिन आपको ये किस तरह से पता लगेगा कि कब आपको काउंटर इंक्रीमेंट इस्तेमाल करना है, कब आपको काउंटर डिक्रीमेंट इस्तेमाल करना है, ये हमें पता लगा हमारे आउटपुट को देखकर। तो दोस्तों ये आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप पहले, अगर आप नए प्रोग्रामर्स हैं तो आप आउटपुट को लिख लें और उस आउटपुट को देखकर आप अपनी लॉजिक क्रिएट करें। दोस्तों यहाँ व्हाइल लूप का इख्तिताम हुआ। यहाँ पर हमने सीखा कि व्हाइल लूप होता क्या है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से काम करता है। अगले लेक्चर में हम डू व्हाइल लूप की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।